अगर बात हथियारों की जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स कैसे पीछे रह सकता है। एटम बम इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा हथियार है जो लाखों लोगों को मारने के साथ साथ पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। पर दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि एटम बम कितना खतरनाक होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। एटम बम को एनर्जी न्यूक्लियर फिजन के दौरान मिलती है। न्यूक्लियर फिजन के लिए हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पार्टिकल की बमबारी की जाती है। इस प्रोसेस को गन मेथड के द्वारा एक्सप्लोजन की मदद से यूरेनियम बुलेट को फायर किया जाता है यूरेनियम टारगेट पे, जिसके कारण ये न्यूक्लियस बैरियम और क्रिप्टन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, जिससे बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ ही इसमें 3 नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो अगले 3 न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। फिर इस न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हुई 9 न्यूट्रॉन्स अगले न्यूक्लियस को तोड़ेगी और न्यूक्लियर फिजन का ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन तब तक फैलता रहेगा जब तक कि एटम बम में मौजूद सभी यूरेनियम खत्म न हो। इसके बाद जो होगा उसका अंदाजा आप हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम के तबाही से लगा ही सकते हैं।